नमस्कार किसान भाई, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फार्मिंग जोन में। मेरा नाम है अमजद और आज मैं आया हूँ MK इंजीनियरिंग वर्क्स में, रामगढ़ के अंदर, जो कि दिल्ली रोड पे पड़ती है ये फर्म। ये यहाँ पे बोरिंग मशीन बनाई जाती है, जो कि आप मेरे पीछे की साइड को देख रहे होंगे, ये बोरिंग मशीन है, ये यहीं पर बनाई गई है। तो इसके अंदर कौन सा इंजन लगाया जाता है, कौन सा चेचिस होता है और इसके अंदर जो ऑपरेट करने का सिस्टम होता है वो कैसा होता है, यही सारी बातें जो यहाँ के जो मालिक है MK इंजीनियरिंग के, वो हमें बताएंगे। तो आपका टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। किसान भाई जी, अस्सलाम वालेकुम। आपका परिचय दीजिए, क्या नाम है अपना? मुश्ताक मेरा नाम है। मुश्ताक है। अपनी जो फर्म है यहाँ पे रामगढ़ के अंदर, कितने सालों से है लगभग? 2012 से। ये जो आपने बनाई है बोरिंग मशीन, इसके बारे में हमारे किसानों को बताइए। इसके अंदर जो चेचिस है वो कौन सा लगा है, इसके अंदर जो इंजन लगाते हैं वो कौन सा आप लगाते हैं, इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन से सिस्टम पे काम करती है, तो इसके बारे में हमारे किसानों को थोड़ा जानकारी दीजिए, ताकि किसान भाई भी इस तरीके की जो मशीन है उनको खरीद सके और अपना गुजारा कर सके। ये सर क्या है, पहले ओल्ड मॉडल में थी, उसमें बहुत हल्का था जी। अब आजकल जो मशीनें हो रही हैं ये भारी मॉडल में है। बाकी आप इससे 1000 फीट तक बोरिंग कर सकते हो जी, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा 1000 फीट तक। बाकी पहले ये सादा था, अभी हाइड्रोलिक हो गया है आसानी से। इसमें जो मजदूर थे, जहाँ पे 6 मजदूरों का आवश्यकता थी, वहाँ पे 1-2 बंदे काम कर सकते हैं इस पे। इसमें जी सर, अच्छा। पहले छोटा इंजन था, अब इसमें JCB वगैरह का कर दिया गया है। इसमें JCB का इंजन है जी, ये JCB का इंजन है। पहले कितने HP का है सर? ये 72 हॉर्स पावर का है। 72 हॉर्स पावर का है, बड़ा इंजन है जी। इससे बड़ा भी आता है, 96 हॉर्स पावर भी आता है। अच्छा, बाकी वो भी हम आपको दिखाएंगे थोड़ी देर बाद जी। हाँ, ये 72 हॉर्स पावर का है। इस पे आप, इससे आप 600 या 700 फीट बोरिंग कर सकते हो आराम से जी सर, इंजन पे। मशीन से तो बाकी आप 1000 फीट बोरिंग कर सकते हो, लेकिन इंजन से आप 600 फीट बोरिंग कर सकते हो आराम से कर सकते हो। ये इसका मेड पंप है, ये वाला जी सर, जो पानी के द्वारा कटाई करता है सर, पानी देती है उसके कटाई करता है नीचे जमीन जी सर। जी सर, अगर हम इसमें अगर कंप्रेसर लगाना चाहते हैं तो यहाँ से खोल के इसमें कंप्रेसर भी लगा सकते हैं। अच्छा, अगर हमको पत्थर वगैरह काटना है तो ये पत्थर भी काट सकती है आराम से। काट सकती है, काफी मशीनें काट रही हैं, पहले गई हैं, जो दिल्ली नोएडा गई हुई हैं वो मशीनें काट रही हैं। अच्छा, इसमें ये जो ये लगाया आपने फट्टे टाइप में लगाया, ये सर ऐसा है जैसे लास्ट में रोड रह जाती है तो बंदा के लिए आराम से चलने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो, गिर पड़ ना जाए, इसलिए ये जाल की सेफ्टी इसमें लगाई गई है। तो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, थोड़ा सा हमारे किसानों को बताइए। ये आप देख रहे हैं किसान भाइयों, यहाँ पे ये है MK इंजीनियरिंग वर्क्स और ये इनके नंबर है, आप चाहे तो इनसे संपर्क कर सकते हैं। ये रामगढ़ में पड़ता है, बालोत नगर में। सर दिखाइए। तो पहले यहाँ पे ये चकली थी जी, ये सिंगल रस्से की थी, अब अलग से डबल पाइप लेने के लिए अलग से अलग ही चकली है। हाँ, चैन पुली भी अलग ही है इसमें जी। ये इसका रेडिएटर है, ये इसका टूल बॉक्स है, आप देख रहे हैं टूल बॉक्स है। ये ऑपरेटर सीट है, यहाँ से बैठ के इस पे ऑपरेटिंग की जाती है। यहाँ से गियर वगैरह है, जो जैसे भी आप इसको चलाने चाहते हो वैसे चल जाएगा। वहाँ इसका हाइड्रोलिक पूरा सिस्टम है, ये वाला हाइड्रोलिक सिस्टम है जी सर। जी सर, ये हाइड्रोलिक लीवर है सारे के सारे। लीवर है सारे सारे, तो ये आराम से ऊपर नीचे हो जाती है जी सर। जी सर, जिस हाइट पे आप लेना चाहते हो उस हाइट पे आराम से काम करती है, काम कर रही है। और इसमें जो ये वाले ठोकले, ये लीवर है जो ये वाले, ये सर ब्रेक है इसका। अच्छा, और क्या सिस्टम है सर इसके अंदर? इसका डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर वॉल्व है ये। हाँ, इससे हम लाइन आराम से खोल, जैसे लाइन हमारी कसी हुई होती है तो ये लाइन ये मशीन खुद ही खोलती है इस जैक द्वारा। अच्छा, ठीक सर। उसके बाद में लाइन भी खुद उठा लेती है जी, जैसे इसको अगर यहाँ से यूज करोगे, जैसे इसको चलाओगे वैसे ही चलेगा सर ये। अच्छा, हाँ। ये लीवर है जी सर, ये लीवर है, ये जैक का है, ये वाला जैक का जी सर। जी सर, अच्छा। उसके बाद में आप, अब ये हैवी, पहले जो गियर बक्सा था बहुत हल्का था जी, अब ये बहुत हैवी गियर बक्सा हो गया है, ये वाला जो जी गियर सर बक्सा है। हाँ, इसमें गरारी वगैरह भी बहुत हैवी है, आपको दिखाने के लिए मिल सकती है। वो दिखाने की गरारी लेकर आना जी, गरारी दिखा दीजिए। और इसके अंदर ये गियर बक्सा है जो ये वाला, ये सर ये 1227 का है। अगर इससे बड़ा लगवाना चाहते हैं लोग, बाग इससे बड़े भी लग सकते हैं, उसके थोड़ा सा क्या इंजन का ताकत राउंड कम हो जाएंगे, बाकी इंजन का ताकत बढ़ जाएगा सर इससे बड़ा जी सर, इसको लगाने से। बाकी अब ये चूड़ी वाले जैक भी है सेफ्टी के लिए। अच्छा। बाकी हाइड्रोलिक जैक है, आजकल हमने बहुत भारी कर दिए हैं, इसकी जो राड है 65 mm कर दी गई है नीचे जी, वाला जी, जो ये हाइड्रोलिक जैक है जी सर। पहले 2 इंची लगाते थे हम, बहुत हल्का वाला जैक लगाते, ऐसा जैक लगाते थे। अच्छा अच्छा, पहले ये जैक लगते थे नीचे, आजकल हमने बहुत हाई भी, ये मान चलो आप
600-700 फीट प्रेशर से ही बोरिंग कर सकते हो आराम से जी सर। उसके बाद दूसरी बात ये है, इसमें डबल चैन पुली है, ऊपर चढ़ के एक बार दिखाओ यहाँ पे, ये वाली है जी सर, ये इसमें डबल चैन पुली कर दी गई है। अगर इसको आपको जैसे लोरिंग वगैरह करना है अलग से, ये चैन पुली पाइप उठाएगी, वो हमारा पेटी का रस्सा वो गियर बक्सा चलाती रहेगी आराम से चल जी सर। हाँ, ये हमारा पाइप डालने वाला अलग सिस्टम है सर, इसका डबल चैन पुली वाला है, डबल चैन पुली जी सर। जी सर, अच्छा और बताइए सर, आप ये मशीन भी बना रहे हैं, इसके अलावा और भी आपकी मशीनें बन रही हैं? हाँ जी सर, ये है, ये इंजन है जो 96 हॉर्स पावर का है, ये वाला है जी सर, ये बहुत बड़ा इंजन है 96 हॉर्स पावर। हाँ, तो सर इसका हाइड्रोलिक भी, ब्रेक भी हाइड्रोलिक है सर इसका जी सर, ऑटोमेटिक है। हाँ, ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक है, अगर आप वहाँ से चलाओगे इसको हाइड्रोलिक बंद करोगे तो बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा, अगर ब्रेक आपने लगा दिया तो लगा रह जाएगा। ये हाइड्रोलिक जैसे गियर गाड़ियों के अंदर होता है हाइड्रोलिक ब्रेक, वही ब्रेक सर इसके अंदर है, इसके अंदर दिए हुए हैं। इससे आप 600 फीट अगर पाइप उठा रखे हैं आपने तो उसको आराम से इससे रोक सकते हैं, रोक सर, सकते हैं जी सर। और ये इसके लीवर हैं, हाइड्रोलिक लीवर है, इससे यहाँ से ऑपरेट होगा ये जी सर। पहले क्या था, सादा ब्रेक थे जिसमें इंसान को खतरा थी, पाइप एकदम छूट जाते थे, कोई भी हादसा होता था, इसलिए इसमें हाइड्रोलिक ब्रेक लगाए गए हैं, और हाथ का भी है, सादा भी है, दोनों यूज कर सकते हो। तो सटीक ब्रेक लगते हैं जी सर। जी सर, जहां रोकना चाहो वहां एकदम रुक जाती है। ये इसमें भी लाइन खोलना, डिस्ट्रीब्यूटर है इसमें जी सर। जी सर, हां डिस्ट्रीब्यूटर है, दबा दीजिए आप, कोई वो नहीं है, ये इसको दबाते हैं तो ये आराम से वर्क करता है जी सर। और इसके अंदर भी जो चेचिस है वो काफी हैवी दिया है आपने जी सर, इसका भी बहुत हैवी है। और ये बिजाक का है या कौन सी कंपनी का है? हाँ सर, ये बिजाक का है सर, बिजाक का हैवी लगाते हैं इसका मतलब। और ये इसका क्या बोलते हैं इसको, ये जो ये सर टावर है, 8-6 का टावर है, बहुत हैवी है। इसका पर फुट का वजन 18 kg है सर, एक फुट का वजन 18 kg है सर इसका जी। ये बहुत हैवी है सर, ये तो काफी हैवी है सर। और ये जिंदल का है जी सर, जिंदल का है, काफी मतलब कंपनी का ही लगाते हैं जी सर। हाँ, कंपनी का लगाते हैं सर, पहले जो था वो लोकल लगाते थे, आजकल बोरिंग जाने लगे 1000 फीट, इसलिए भारी, बहुत भारी लगाना पड़ रहा है, भारी लगाते हैं। तो ये तो आपकी जो मशीन है काफी भारी है और काफी हैवी ड्यूटी की मशीन है आपकी, ये वाली जो मशीन है 96 हॉर्स पावर का, आपका जेसीबी का इंजन आपने इसमें लगाया जी सर। इसमें जो एक्सल लगा है वो भी काफी हैवी ड्यूटी का लगाया सर, 4 इंची एक्सल है सर, काफी हैवी है जी सर। जी सर, और ये इसका पंखा है? हाँ, इसका पंखा सर, ये भी ये वाला जो पंखा है। और ये जो मशीन है बन के किसान के पास में अगर जाती है तो लगभग कितने की पड़ जाती है, अगर कोई किसान बनवाता है तो एक आइडिया से? ये मान चलो आप जो प्राइस है, जैसे किसान भाई लेना चाहता है राड 600 फीट या 800 फीट 200 फीट जो भी लेना चाहता है उसी हिसाब से सर इसका प्राइस है। बाकी मिनिमम इसका प्राइस है 12.5 लाख रुपए के आसपास, 12.5 लाख, 400 फीट राड पे, 96 HP के इंजन के साथ जी सर। ये टर्बो वाला है, वो सादा है सर, ये सादा है। इसकी क्या कीमत है सर? इसकी जो सर, इसकी जो कीमत है सर, ये 12 लाख रुपए के आसपास है सर, 12 लाख, 400 फीट में उसका जो कीमत है सर वो आपको पड़ेगा 12.5-13 लाख रुपए के आसपास बैठेगा ये वाला जी सर, एक मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको। बाकी इसको जैसे अगर आप ऑपरेटिंग करना चाहते हो यहाँ से, इसको उठा भी सकते हो सर आप, ये ऑपरेट हो जाता है। हाँ, यहाँ से ऑपरेट चलाइए, आप इसको दबाइए, मैं आपको बताता हूँ। ऊपर उठाओ, ऊपर दबा दे, तो ये उठ जाता है इस तरीके से। उसके बाद में ये सर इसकी रोड है, ये वाली रोड है इसकी, ये इसकी रोड है जो ये बन रहा है। कितनी रोड आती है सर साथ सर में? इसके ऐसा है जैसे जहाँ पे जितना फुट बोरिंग होता है उस हिसाब से रोड दी जाती है जी। जैसे कहीं पे 400 फीट है तो 400 फीट है, कहीं पे 500 लेना चाहते हैं तो 500 फीट मिलेगा सर जी सर। ये इसमें सेट की जाती है जी सर, ये प्रेशर द्वारा ठुक रही है जी, ये प्रेशर से ही ठुक रही है सर ये। हाँ, दिखाइए इसको एक बार, हाइड्रोलिक से आप इसको सेट कर रहे हैं जी सर, तो इस तरीके से ये सेट की जाती है, और सेट करने के बाद ये कहीं पे भी नहीं जाती है, एकदम सेट हो जाती है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये मशीनें यहाँ पे बनाते हैं और ऑर्डर पे बनाते हैं सर, सर ऑर्डर पे बनाते हैं मशीन? हाँ जी, ऑर्डर पे बनाते हैं, ऑर्डर पे बनाते हैं। तो आप ये देख रहे हैं ये जो मशीन है,
ऑर्डर पे बनाई है यहाँ पे, और दोनों मशीनों की हमने आपको कीमत बता दी है। तो अगर आप ये मशीन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एम के इंजीनियरिंग वर्क रामगढ़ के अंदर आना है। सर आपने हमारे किसानों को बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये खरीदना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं एम के इंजीनियरिंग रामगढ़ के अंदर, और यहाँ पे बनवा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।